सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल जहां महिलाओं को इलाज करवाने के लिए अक्सर शर्मसार होना पड़ता है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस अस्पताल में ईसीजी और एक्सरे एक ही रूम पर हो रहे हैं, जिसके चलते महिलाओं को ईसीजी करवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि महिलाएं अब ईसीजी करवाने में भी कतराने लगी हैं। सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल जहां महिलाओं को इलाज करवाने के लिए अक्सर शर्मसार होना पड़ता है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस अस्पताल में ईसीजी और एक्सरे एक ही रूम में हो रहे हैं, जिसके चलते महिलाओं को ईसीजी करवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब कोई महिला ईसीजी करवा रही होती है तो हमेशा उन्हें यही डर बना रहता है कि कोई पुरुष एक्सरे के लिए कमरे में न आ जाए। वहीं एक छोटा सा पर्दा ईसीजी रूम में लगाया गया है, लेकिन ये पर्दा कब कौन हटा देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही वजह है कि महिलाएं अब ईसीजी करवाने से भी कतराने लगी हैं। इस बारे में स्थानीय लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल में ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं है जहां एक्सरे और ईसीजी एक कमरे में स्थापित हों, लेकिन सोलन अस्पताल प्रशासन न जाने क्यों नए नए प्रयोग कर रहा है और ईसीजी और एक्सरे को एक ही कमरे में लगा दिया है, जिसकी वजह से रोगियों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषतः महिलाओं को ईसीजी करवाने में शर्मसार होने का भी डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एक्सरे या ईसीजी हो रहा है तो दूसरे मरीज को इंतजार करना पड़ता है, इसलिए ईसीजी और एक्सरे मशीन को अलग अलग स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने सोलन वासियों को वायदे तो किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यहां आने वाले रोगी बेहद परेशानी झेल रहे हैं। एक्सरे और ईसीजी एक ही कमरे में हो रहे हैं, जिससे कि महिलाओं को परेशानी हो रही है। एक्सरे करवाने में, ईसीजी करवाने में, मगर सरकार का ध्यान बिल्कुल सोलन हॉस्पिटल की तरफ नहीं है। बिल्डिंग से जगह जगह से पानी टपक रहा है, बिल्डिंग में पीछे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल न केवल सोलन जिला का बल्कि सिरमौर और शिमला क्षेत्र के भी काफ़ी भागों को कैटर करता है। वहाँ से भी लोग यहाँ मरीज पहुँचते हैं और समस्याओं को विभाग समझने की बजाय उलझा देता है। और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का तो बहुत बुरा हाल है। कोई भी नेता आके, स्वास्थ्य मंत्री एक बार आए, कह गए थे कि जल्दी ही एक माह के भीतर यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं को सुधार दिया जाएगा, वो दोबारा आए नहीं। मुख्यमंत्री नहीं आते, कोई और मंत्री सोलन में आके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश नहीं करता। इससे रोगियों को बड़ी भारी परेशानी है। सोलन की जनता बड़ी परेशान है, ना केवल सोलन की जनता, मैं कहूँगा सिरमौर के क्षेत्र की जनता और शिमला के किसी जो क्षेत्र सोलन हॉस्पिटल के, जहाँ से लोग आते हैं सोलन अस्पताल में, वह सारी की सारी लोगों को बड़ी भारी परेशानी हो रही है। और सरकार का ध्यान सोलन के स्वास्थ्य के ओर बिल्कुल नहीं है। अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर कमल अडवाल ने बताया कि बेशक एक्सरे और ईसीजी मशीन को एक कमरे में स्थापित किया गया है, लेकिन अगर ईसीजी होता तो पर्दा कर दिया जाता है और एक्सरे के लिए रोगी को बाहर इंतजार करना पड़ता है। एक्सरे और ईसीजी एक कमरे पर नहीं करवाए जाते हैं, जिसके चलते रोगियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। एक्चुअली हमारे पास अब डॉक्टर्स काफी आ गए हैं, जनरल डॉक्टर भी काफी आए, तो जहां हम करते थे उसको एक ओपीडी बनाया है, पर यह है कि टेम्परेरली वहाँ से ईसीजी मशीन को एक्सरे रूम में शिफ्ट किया है, तो इट इज़ अ टेम्परेरी अरेंजमेंट जिसके लिए ऐसा किया है। जैसे मैंने कहा, एक तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, ये नहीं रहने वाला है लंबा, क्योंकि हम एक नया स्पेस फाइंड कर रहे हैं इसके लिए जहाँ हम कर पाए एक्सरे के साथ ही। दूसरा ऐसा है कि एक हमने वहाँ कर्टन भी लगाया है, तो कर्टन ऑन कर लेते हैं। और कोशिश ये होती है कि जब एक्सरे हो रहा हो, क्योंकि एक्सरे के टाइम किसी और को अंदर नहीं रखते, इवन जो रेडियोलॉजिस्ट है वो भी एक शीट के पीछे रहता है, रेडियोग्राफर जो भी है वो भी एक शीट के पीछे रहता है, ताकि एक्सरे की जो किरणें हैं उसको ना छुएं। तो उस समय तो सभी को बाहर निकाला जाता है, तो इस समय में जैसे दो काम एक साथ नहीं हो पाएंगे, एक्सरे हो रहा होगा तो ईसीजी नहीं करेंगे, तो ऐसा है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।